बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 27 जुलाई 2020 सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद रवाब, देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरब से छुट्टी गए हुए थे लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो वापस नहीं आ सके और उनके हकामे और वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, क्या उनके वीज़े और हकामे की मुद्दत में तोसी कर दी गई है? बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो यही सवाल कर रहे हैं। सऊदी अरब में ताहाल कोरोना वायरस की वजह से बैन अल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई, वो गैर मुल्की जो वतन छुट्टी गए हुए थे उनके खरूज अहदा और अकामे की मुद्दत में खसूसी तौर पर 3 माह की तोसी के अहकाम सादर हो चुके हैं। शाही अहकाम के मुताबिक सऊदी अरब से बाहर गए हुए तारकिन के हकामों और खरूज अहदा की मुद्दत में तोसी का मरहला वार की जा रही है। कारीन उर्दू न्यूज़ की जानब से ऐसे मौजू पर सवाल अरसाल किए जा रहे हैं। बिलाल अख्तर दरियाफ्त करते हैं कि मैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ हूँ, मेरा हकामा एक्सपायर हो गया है, सऊदी हुकूमत के ऐलान के बाद मेरे हकामे की मदद में तोसी नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? सऊदी अरब वापस जाने का तरीका क्या होगा? जवाब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सऊदी हुकूमत ने इन तमाम गैर मुल्की कारकुनों को जो छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर गए हुए हैं उनको खसूसी रियायत का ऐलान करते हुए उनके खरूज अहदा और अकामों की मुद्दत में मज़ीद 3 माह की तोसी के अहकाम जारी कर दिए हैं, ताहम इन पर मरहला वार अमल किया जा रहा है। आपकी बारी आने पर हकामा और खरूज अहदा एग्जिट री एंट्री वीज़े की मुद्दत में खुदकार तरीके से तोसी कर दी जाएगी। तोसी किए जाने के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS के ज़रिए इतला भी मौसूल हो जाएगी। अगर सऊदी अरब के मोबाइल नेटवर्क की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर पैगाम मौसूल हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें कि सऊदी हुकूमत की जानब से इंसानी हमदर्दी के असूलों को हमेशा तरजीह दी जाती है। मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से तमाम ममालिक के हालात ख़राब हैं, जिसके बायस बैन अल-अक़वामी परवाज़ें ताहाल बहाल नहीं हो सकें। मौजूदा हालात के पेश नज़र और इंसानी हमदर्दी के असूल को मुकदम रखते हुए रमज़ान में सऊदी हुकूमत की जानब से सऊदी अरब में रहने वाले तारकिन के हकामों की मुद्दत से 3 माह की तोसी की गई थी, जिसकी कोई इजाफी फीस भी नहीं ली गई। इसी तरह इन गैर मुल्की कारकुनों के लिए भी रियायत दी गई है जो बैरून मुल्क छुट्टी पर गए हुए हैं और मौजूदा हालात की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। मोहम्मद महराज, 1 साल का मल्टीपल बिजनेस वीज़ा वालों के लिए सऊदी हुकूमत ने क्या मुराद दी हैं? क्या लॉकडाउन की वजह से इन वीज़ा होल्डर्स के लिए अब तक 6 माह ज़ाया हो चुके हैं? जवाब, सऊदी अरब में विजिट वीज़े के लिए मुकर्रर कानून के मुताबिक वीज़े की मुद्दत में काउंटडाउन इस वक्त से शुरू होता है जब आप सऊदी अरब में दाखिल होंगे। कोरोना वायरस के हवाले से मौजूदा हालात गैर मामूली हैं, जिनके पेश नज़र सऊदी हुकूमत की जानब से खसूसी मराहत का भी ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों का नफाज मार्च के 3रे हफ्ते से किया गया था, जो ताहाल जारी है। इस बारे में सऊदी हुकाम ने ऐसा वीज़ा होल्डर के लिए भी जिन्होंने वीज़े इस्तेमाल नहीं किए रियायत देते हुए ऐलान किया है कि वो मौजूदा हालात की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सकते, इसलिए उनके वीज़ों की मुद्दत में तोसी की जाएगी। आपका केस भी मजकूरा रैत में शामिल है। इस सूरत से मजीद ये कि जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे और परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त कवानीन में मजीद तब्दीलियाँ होंगी, जिनके ऐलान के साथ ही उर्दू न्यूज़ में उन्हें शाया करने का खसूसी एहतमाम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में हुकूमत की जानब से विजिट वीज़ों पर आने वालों के लिए 3 माह की इजाफी मुद्दत का ऐलान किया गया है, जिसके लिए किसी किस्म की फीस नहीं होगी। तमाम विजिट वीज़ा होल्डर के लिए क़याम की मुद्दत में तोसी खुदकार तरीके से की जाएगी। ये थी फ्रेंड्स अभी तक की सऊदी न्यूज़ अपडेट। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।